वो सालों साल 20 साल की उसकी मेहनत आज मतलब जाया हो गई। चार महीने आप बताएं भाई, चार महीने आप काम करेंगे? तालबा सिर्फ इतना है कि हमें टाइम पे सैलरी दें। कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में आज यंग डॉक्टर्स की जानिब से गुज़िश्ता चार माह से तनख्वाहें न मिलने पर एहतजाज के दौरान यंग डॉक्टर्स ने शदीद नारेबाजी की और अस्पताल इंतजामिया को खूब आड़े हाथों लिया। इस मौके पर 99 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए यंग डॉक्टर्स का कहना था कि तमाम अस्पतालों में हाउस जॉब करने वाले डॉक्टर्स की तनख्वाहें 40 से 45 हजार हैं। वाहिद एक अब्बासी शहीद अस्पताल है जहां यंग डॉक्टर्स 30 हजार रुपए के एवज काम करते हैं और गुज़िश्ता चार माह से हमें इसके लिए भी परेशान किया जा रहा है। अगर ये सिलसिला इसी तरह जारी रहा तो हमें मजबूरन ओपीडीज बंद करनी पड़ेंगी। पंजाब में कंपेरिजन अगर किया जाए तो पंजाब में 65,000-80,000 तक सैलरी है हाउस ऑफिसर की, सिंध में तो बिल्कुल कम है 45 भी हमें नहीं दी जा रही, वो भी हमें 30,000 पे यहाँ रखा हुआ है। तो इंक्रीमेंट चाहिए, इसके अलावा रेगुलराइज हमारी की जाए। 3.5 महीने हो गए हमें एक दिन की भी सैलरी नहीं मिली। हमारा मुतालबा सिर्फ इतना है कि हमें टाइम पर सैलरी दें, अभी फिलहाल हमारी 3 महीने की सैलरी दें। और हमारी जो सिंध असेंबली में बिल पास हुआ है 45 थी, ये हमें 30 दे रहे हैं, वो भी नहीं दे रहे, तो हमें ये इंक्रीमेंट भी चाहिए। देखिए पूरे पाकिस्तान में सबसे कम सैलरी यहाँ पर अब्बासी है चोस की, ठीक है, और इवन सिंध में 45,000 हो चुके, बिल पास हो चुका, एक साल हो चुका, ठीक है, उसके बावजूद हमारी सैलरी यहाँ पर 30,000 है, तो हमारी इंक्रीमेंट होनी चाहिए 45,000, ठीक है। ये तीन मुतालबात हैं हमारे स्ट्रेट, इन तीन में से कोई एक भी नहीं होगा तो प्रोटेस्ट कंटिन्यू। कैमरामैन मोहसिन अहमद के साथ शहरयार सिद्दीकी, 99 न्यूज़, कराची।